हेलो स्टूडेंट नमस्कार वेलकम बैक टू के के कॉमर्स कंसेप्चुअल कंसेप्टअल सेशन स्टूडेंट्स हम आज नई कंसेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है सॉल्वेंट वर्सेस इनसॉल्वेंट अब ये है क्या ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है ये सॉल्वेंट पर्सन या फिर इनसॉल्वेंट पर्सन किसे बोला जाता है डिटेल में देखेंगे और हाँ इसके पहले के कंसेप्ट अगर कुछ भी एक भी कंसेप्ट आपकी रह चुकी है तो फटाफट ऊपर देखो बच्चों प्लेलिस्ट का आपको सजेशन आया है उस सजेशन पे क्लिक कीजिए आय पे क्लिक करने के बाद सब के सब वीडियोस मिल जाएंगे एक एक वीडियो आपके नॉलेज के लिए आपके मार्क्स के लिए आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जरूरी है ठीक है स्टूडेंट्स हमारा टारगेट सिर्फ एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स लाना नहीं है हमारा टारगेट है कि मार्क्स के साथ साथ परफेक्ट नॉलेजेबल स्टूडेंट बनना ठीक है रियल लाइफ में स्टूडेंट्स मतलब डिग्री मिलने के बाद आप जब रियल लाइफ में जाओगे तब ये नॉलेज आप अप्लाई कर सको वो हिसाब से हम हर कंसेप्ट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स तो आज का जो कंसेप्ट है देखते हैं फटाफट -फड़ से सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट पर्सन भाई सॉल्वेंट पर्सन मतलब पर्सन को बोला जाता है बच्चों सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो आ, मतलब पर्सन की ड्राइंग पर्सन कैसा होता है पर्सन <laughs> तो आपको पता है भाई जस्ट अ सेकेंड बच्चों ये जो पर्सन है इसे सॉल्वेंट बोलेंगे और ये जो पर्सन है इसे इनसॉल्वेंट बोलेंगे लेकिन ये कब कैसे डिसाइड करेंगे भाई ये पर्सन सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट तो बच्चों अगर किसी पर्सन की एसेट्स ज्यादा है और इक्वल है एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज ओके किसी पर्सन की एसेट्स अगर उसके लाइबिलिटीज से ज्यादा है या फिर इक्वल है तो उस पर्सन को सॉल्वेंट पर्सन बोला जाता है ओके okay? और इनसॉल्वेंट पर्सन मतलब कौन ऐसा पर्सन जिसकी एसेट asset, जिसके एसेट्स कम है एस कंपेयर टू लाइबिलिटीज उस पर लाइबिलिटीज ज्यादा है लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज मतलब क्या इसके लिए भी हम सेपरेट एक वीडियो बनाने वाले लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूं बच्चों एक्साम्पल के साथ एसेट मतलब भई मेरे पास गाड़ी है बंगला है दौलत है शहरत है ये जो भी है ये क्या है अपनी एसेट अपनी प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ें है जिसपे जिस पे, जिसपे जिस अपनी ओनरशिप होती है बच्चों जिसपे अपनी ओनरशिप होती है उसे बोलते हैं एसेट फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो आप मेरे पास भाई यहाँ पे बंगलो मतलब ये बिल्डिंग है ठीक है मशीनरी है व्हीकल है फर्नीचर है मोबाइल है कंप्यूटर है ये कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो कहने का मतलब ये जो भी चीज़ें है ये मेरे ओनरशिप की है मेरी खुद की है मैंने परचेस की हुई है मतलब इस पर मेरा हक है ठीक है तो ये हो गए मेरे एसेट्स और लाइबिलिटी मतलब क्या कर्जा भाई अपने ऊपर कर्जा है किसी को पैसा देना है उसे बोलते हैं लाइबिलिटी एग्जाम्पल देखो बच्चो सपोज हमने किसी बैंक से लोन लिया है फिर मॉर्गेज लोन भी हो सकता है मॉर्गेज मतलब प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है सपोज ठीक है या फिर किसी फंडिंग एजेंसी से लोन लिया है बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन अकाउंट्स पेएबल भाई किसी के पैसे पे करने हैं बिल्स बिल्स वगैरह ड्रॉ किया हुआ है हमने शॉर्ट टर्म लोन मतलब नाम में ही समझ रहा है कि जो शॉर्ट टर्म में रीपे करना पड़ता है लोन कम टाइम के लिए दो महीने के लिए तीन महीने के लिए लोन लिया है जो हमें वापस करना है एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब कोई एक्सपेंसेस है जो हमें पे करने हैं फॉर एग्जाम्पल भाई किसी को कमीशन देना बाकी है ठीक है तो कमीशन पे करना बाकी है ना ये हमारी लाइबिलिटी है एंड ऑन ऐसे बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है तो द कंक्लूजन इज अगर किसी भी पर्सन के पास उसकी जायदाद ज्यादा है और लोगों का देना कम है तो वो होता है सॉल्वेंट पर्सन ठीक है और अगर एसेट्स कम है लोगों का देना ही ज्यादा है तो वो हो जाएगा इंसॉल्वेंट पर्सन एग्जाम्पल किसी पर्सन के पास ट्वेंटी लैक्स किसी पर्सन के पास ट्वेंटी लैक्स के एसेट्स है और लाइबिलिटीज है सेवनटीन लैक्स के एट द एंड पर्सन को ए साउंड पर्सन है फाइनेंशियली साउंड मतलब क्या ही हैज द कैपेसिटी टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज उसकी कैपेसिटी की वो पूरी पूरी की पुरी पे कर सकता है अरे मतलब ऐसा नहीं कि आज के आज पूरी लाइबिलिटी पे कर पाए बच्चों अगर आज आज के अंबानी को भी बोला ना पूरी लाइबिलिटी पे कर दे तो शायद वो भी ना कर पाए क्योंकि थोड़ी ना कोई कैश लेकर बैठा है भाई खुद के पास लेकिन कैपेसिटी है कि वो फ्यूचर में रीपे कर पाएंगे कुछ लेना भी है कुछ देना भी है कुछ प्रॉपर्टी भी है सो इफ ओवरऑल अवर एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज मतलब हम लाइवलिटीज़ पे करने के कैपेबल है मतलब हम सॉल्वेंट पर्सन है ठीक है और इंस्टॉलमेंट पर्सन के केस में सपोज 20 लैक्स के एसेट है और हम पे टोटल लाइवलिटीज़ है फिफ्टी लैक्स की अरे भाई पूरा प्रॉपर्टी बेच भी दिया पूरा दिवाला भी निकाल लिया पूरा ऑक्शन भी कर लिया तो पचास लाख रुपये नहीं आने वाले और हाँ अगर किसी पर्सन को जितने भी सोर्सेस है कोई भी सोर्स यूज करके पैसे आने की संभावना नहीं है ओके कोई भी सोर्स यूज करके पैसे आने के चांसेस नहीं है भाई दीवाला निकल चुका है जेब में कुछ ही नहीं कुछ रिकवरी के चांसेस नहीं है अगर ये कोर्ट को प्रूव हो गया कोर्ट को दिख गया कि फाइनेंशियली ही इज नॉट साउंड पर्सन पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा नहीं मिल सकता देन कोर्ट विल डिक्लेयर हिम एज इंसॉल्वेंट पर्सन आप किसी को नहीं डिक्लेयर कर सकते भाई हम चालू चालू किसी को भी बोल सकते अरे यार ये तो ये नल्ला है भाई इसका दीवाला निकल चुका है इसके पास कुछ है नहीं अरे भाई आप बोलने के लिए बोल दो लेकिन जिस दिन कोर्ट डिक्लेयर करेगा ना इंसॉल्वेंट पर्सन है तभी उसको इंसॉलमेंट पर्सन ट्रीट किया जाएगा और अगर किसी का पर किसी पर्सन को इंसॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो समझ लो हम हमें अगर उनसे लेने हैं तो वो डूब गए जो हमने बैड डिप्ट कंसर्ट में भी देखा था ठीक है और अगर हम खुद इंसॉलमेंट हो गए और हम किसी को देने वाले थे और नहीं दे पाएंगे ना ऑब्वियसली हम इंसॉलमेंट हो गए तो इससे बोलते हैं डिफिशियंसी ठीक है सो अगेन समराइज द पॉइंट बच्चों देख लो यहाँ पे क्या एसेट ऐसे डेराबिलिटी अरे ऑफकोर्स एसेट यार एसेट नीचे जा रहा है ना मतलब इसका वजन ज्यादा है भाई एसेट ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट पर्सन की निशानी है ठीक है और इसे पॉजिटिव नेटवर्थ भी बोलते हैं नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी ये पॉजिटिव नेटवर्थ है और हम अगर बात करें एसेट नहीं 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 पे तो लाइबिलिटी ज्यादा है कर्जा ज्यादा है लोगों का देना ज्यादा है ये डूब चुका है ये है इन पर्सन ओके सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे आई होप ये एकदम क्लियर हो चुका होगा आपका टर्म सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट सी इन द नेक्स्ट एपिसोड फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल डियर कॉमर्स में हो जाओगे ऑल क्लियर फटाफट शेयर करो और आपके सब फ्रेंड्स को नॉलेज शेयर करो यार